हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अजीत और तुम लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अजीत। और भाई लोग, आज है हमारा 365 डेज चैलेंज का डे 80। और भाई लोग, आजकल का मौसम बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो गया है और तुम लोग को बाहर चलते दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, बहुत भयंकर वाला धूप हुआ है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है। और गर्मी बढ़ने की वजह से पसीना हो रहा है, बहुत भयंकर वाला गर्मी लग रहा है भाई साहब। अब हालत डाउन होगा सभी का। गर्मी में बस ये मन करेगा पंखा चलाओ और आराम से बैठो और सो। पंखा यार मैं चला देता हूँ, पंखा मेरा चालू हो गया है। और भाई लोग, अभी टाइम हो रहा है, ये देखो 9:20 होने वाले हैं और अभी तक आज मेरे घर में खाना नहीं बना है। और यार बहुत दिमाग ख़राब हो गया है खाना ना बनने की वजह से, क्या बताऊँ यार। अगर खाना लेट बनेगा तो मैं लेट पहुँचूँगा, लेट पहुँचूँगा तो यार भैया गुस्सा होंगे, तो दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा मैं कही कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, छोटा हूँ सबसे, इसीलिए बस साथ रहो, जो मिल रहा है बस खाओ पियो चलो, दिमाग में टेंशन ना है, बस बने रहे सब। और भाई लोग, कहते हैं ना घर के छोटे बेटे को बहुत प्यार भी करते हैं सब लोग और बहुत गुस्सा भी करते हैं, तो बस वही चीज़ चल रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं घर के सबसे छोटा बेटा हूँ, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं मेरे ऊपर, सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और मैं किसी पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर कुछ करूँगा तो और मैं सुना जाऊँगा। बस शांत रहेगा घर के, अगर छोटे बेटे हो तुम तो शांत रहो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। और जो अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से, खाना बन जाएगा उसके बाद। और भाई लोग, मैं खाना ले आया हूँ चाची घर से, क्योंकि मेरे घर में खाना बना नहीं है और शायद आज बनेगा भी नहीं, एक घंटा खाने बना रहे हैं। ये देखो, ये सब्जी, ये रोटी, और मैं चाची घर से खाना ले आया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ खाने और मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। और भाई लोग, खाना पीना खा के मैं हो गया हूँ रेडी। और भाई साहब, दिमाग इतना भयंकर वाला ख़राब हो गया ना, मैं क्या बताऊँ, घर वालों से बहुत भयंकर वाला, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा लग रहा ना कि घर छोड़ के बस चले जाओ, भाग जाओ कहीं, लेकिन जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि और कहीं मेरा ठिकाना नहीं है, तो बस जैसे चल रहा है चलने दो। मतलब कि चारों तरफ दिमाग एकदम ख़राब हो गया है, तो गर्मी से शरीर में इतना दर्द हो रहा है सारा, मौसम चेंज होने की वजह से पूरा जुकाम उखाम हो गया है, बहुत दिक्कत है। भाई लोग, अब मैं चल रहा हूँ ऑफिस, तो मैं मिलता हूँ सीधा ऑफिस में। भाई लोग, मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस और मेरा ऑफिस आज खुल गया है कि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट पड़ रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा ऑफिस और ये रहा मशीन रूम, प्रिंट निकल रहा है, तो भाई लोग अब मशीन में निकल रहा है पीएल प्रिंट। ये देखो पीएल प्रिंट निकल रहा है जो कि बहुत ही शानदार प्रिंट होता है ये। भाई लोग, जो प्रिंट निकल रहा था वो पूरा निकल गया और कस्टमर आया उसको लेके चला गया। और अब मैं और युवराज जी हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं मैं बैठा हूँ, युवराज जी काम कर रहे हैं। ये देखो युवराज भैया जो है अपना अपने दिमाग से कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं और इन्होंने एक यूनिक चीज करके दिखाया है और तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना, ये पूरा फ्रेम बना दिए हैं युवराज भैया ने। ये लिखा है आसो, ये एक प्रिंट निकला हुआ था तो उसी को खूब बढ़िया से कटिंग करके भैया ने इसको चिपका दिया है। और इसके साइड साइड जो लगा हुआ है उसको, वो रेडियम है, रेडियम को फ्रेम बना दिए हैं, बाकी बीच में आसो दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब जो मशीन के ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला,
इसमें लगेगा ये फूल वाला। तो भाई लोग आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। तो भाई लोग उससे पहले मैं तुम लोग को एक बार बताना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा पहले से शांत हो गया है क्योंकि मैं दवा खाया हूँ दिमाग शांत करने वाला। कई बार क्या है मुझे कुछ थोड़ा समझाया भी तो उसी वजह से थोड़ा सा दिमाग मेरा शांत है, थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है। तो बस शांति से बैठा हूँ और तुम लोग दिखाता हूँ और तुम लोग को दिखाता हूँ मेरा ये कैसे काम कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो भाई लोग भैया चिपका रहे हैं इसको, निकल गया। तो भाई लोग ये वाला प्रिंट पूरा लग गया है, ये देखो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, पूरा फिनिशिंग के साथ लगा हुआ, देखो कितना अच्छा लगा है, ये देखो। तो भाई लोग इस तरफ का होने के बाद भैया उस तरफ पर लगा रहे हैं, ये देखो एक उस तरफ भी है, मतलब जैसे इस तरफ का ये एक है ना बॉक्स स्टील का मशीन का, उसी तरह यहाँ भी है। तो अब भैया इसमें लगाने जा रहे हैं और इस तरह का डिज़ाइन जो है थोड़ा चेंज है, ये देखो अच्छा लग रहा है इधर वाला भी, ये डिज़ाइन अब यहाँ लगेगा तो और अच्छा लगेगा। हमारा पूरा मशीन एकदम लंबा है, तो ये देखो फाइनली लग गया है जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है साहब, एकदम एक नंबर का। भाई लोग पूरा प्रिंट लगने के बाद मशीन का लुक बहुत ही तगड़ा लग रहा है, और तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पहला, फिर ये, उसके बाद ये, और आखिर में आता ये वाला तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दिल बना हुआ है और ये दिल आप लोग के लिए है। ये दिल मेरी तरफ से, ये वाला युवराज भैया की तरफ से आपके लिए, हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार है। ये देखो कितना शानदार लग रहा है भाई साहब, इधर से देखे पूरा वहाँ तक।